कैसे होगी बजरंगी भाईजान 2 की शुरुआत? इस बार कौन सा अच्छा काम करेंगे पवन कुमार चतुर्वेदी? क्या मुन्नी देखने को मिलेगी बजरंगी भाईजान 2 में? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। जैसा कि हम सब ने देखा, बजरंगी भाईजान के एंडिंग में सलमान खान AKA पवन कुमार चतुर्वेदी मुन्नी को उसके घर पाकिस्तान छोड़कर बॉर्डर के रास्ते से हिंदुस्तान वापस आ जाते हैं। अब क्योंकि बजरंगी भाईजान 2 एक प्रॉपर सीक्वल मूवी होने वाली है, यानी कहानी वहीं से शुरू होगी जहां पर बजरंगी भाईजान एंड हुई। तो बजरंगी भाईजान 2 की कहानी स्टार्ट होती है सलमान खान और करीना कपूर खान की शादी से, यानी कि पवन कुमार चतुर्वेदी और रसिका की शादी से। शादी के बाद दोनों हनीमून के लिए कश्मीर जाते हैं, जहां दोनों के ऊपर एक रोमांटिक सॉन्ग फिल्माया जाता है। जब दोनों हनीमून से वापस आते हैं, तब पवन कुमार चतुर्वेदी यानी कि हमारे सलमान खान, रसिका यानी कि करीना कपूर की स्कूल में जहां करीना कपूर बच्चों को पढ़ाती हैं, वहां पर पवन कुमार चतुर्वेदी फिजिकल डेवलपमेंट टीचर के तौर पर जुड़ जाते हैं। अब दोनों ही एक साथ एक ही स्कूल में काम करते हैं। दोनों की लाइफ अच्छी जा रही होती है, तभी दोनों को एक प्रोजेक्ट के लिए एक गांव में जाना पड़ता है। गांव में जाने के बाद उन्हें पता चलता है इस गांव में बच्चों के एजुकेशन पर रोक है। जब दोनों ये बात स्कूल अथॉरिटीज़ को बताते हैं, तो स्कूल अथॉरिटीज़ उनको यही प्रोजेक्ट दे देती है कि तुम्हें गाँव वालों को उनकी एजुकेशन का महत्व समझाना है और उन्हें कन्विंस करना है बच्चों को एजुकेशन देने के लिए। इसके बाद सलमान खान और करीना कपूर दोनों अपने इस प्रोजेक्ट पर लग जाते हैं और गाँव वालों को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, पर गाँव वाले मानते नहीं और वो कहते हैं कि हमारे बच्चों ने बड़े होकर खेतीबाड़ी ही करनी है, तो फिर एजुकेशन दिलाकर क्या फायदा? खेतीबाड़ी के लिए जो नॉलेज चाहिए वो तो हम उन्हें दे नहीं पा रहे। तब करीना कपूर कहती है, स्कूल जाकर अगर आपके बच्चे पढ़ेंगे तो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज होंगी और उनका फिजिकल डेवलपमेंट भी होगा, जिससे इन फ्यूचर वो डिफरेंट फील्ड्स में अपना करियर बना सकते हैं और आपके खेतीबाड़ी के काम को भी बड़े लेवल पर पहुंचा सकते हैं। बहुत ज़्यादा कन्विंस करने के बाद कुछ गांव वाले मान गए, पर उन्होंने कहा हमारे पास पैसे नहीं है अपने बच्चों को स्कूल में भेजने के लिए। इसके बाद पवन कुमार चतुर्वेदी कहते हैं, कोई बात नहीं, अगर आपके बच्चे स्कूल नहीं जा सकते तो हम स्कूल को ही गांव में ले आएंगे। तब करीना कपूर शॉक हो जाती है और बोलती है कि तुम क्या बोल रहे हो, ये कैसे हो सकता है? तब पवन कहता है, हो सकता है अगर हम दोनों रोजाना इस गांव में आकर बच्चों को फ्री में एजुकेशन दें तो उन्हें उनके गांव में ही स्कूल की एजुकेशन मिल जाएगी। ये सुनकर करीना भी खुश हो जाती है और इस बात के लिए एग्री कर देती है और अगले दिन से सलमान खान और करीना कपूर गांव में बच्चों को फ्री में पढ़ाने जाते हैं। और जहां शुरू में 5-4 बच्चे ही पढ़ने आते हैं, वहीं पर उनकी मेहनत देखकर धीरे धीरे बाकी गांव वालों ने भी अपने बच्चों को भेजना शुरू कर दिया पाठशाला में, जिसे देखकर पवन और रसिका दोनों खुश हो जाते हैं क्योंकि अब उनकी मेहनत रंग लाती है। और ये खुशी दुगनी हो जाएगी तब जब मुन्नी पाकिस्तान से भारत अपने बजरंगी भाईजान से मिलने आई। मुन्नी को देखकर सारा परिवार बहुत खुश हो जाता है और हमें पहली बार फिल्म में मुन्नी यानी कि शहीदा के डायलॉग सुनने को मिलते हैं। सब कुछ काफी अच्छा जा रहा होता है, लेकिन जब वो कहते हैं कि आपको सक्सेस मिलती है तो आपके काम से जलने वाले लोग भी पैदा हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही पवन और रसिका के साथ हुआ जब उनकी फ्री एजुकेशन वाली क्लासेस का पता एक बड़े इंस्टीट्यूशन को लगा। तब उन्होंने इनकी फ्री एजुकेशन क्लास बंद करवाने के लिए कई सारे षड्यंत्र रचे और वहीं दूसरी ओर जब ये इन्फॉर्मेशन अपोजिशन पार्टी को पता चली तो वो किसका फायदा उठाने के लिए कोशिश करते हैं और इसके राजनीतिक मुद्दा बनकर रूलिंग पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, देखो रूलिंग पार्टी ने देश की क्या हालत कर दी। माँ बाप के पास अपने बच्चों को स्कूल भेजकर पढ़ाने के भी पैसे नहीं है और ये रूलिंग पार्टी कहती है हम देश में विकास ला रहे हैं। इन सब राजनीतिक की वजह से गांव का माहौल खराब होने लगता है और वहां बच्चों को वापस स्कूल भेजना बंद कर देते हैं। अब इन हालातों से कैसे पार हो पाएंगे दोनों, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़।